आप तो अभी तो देखिए कि बाढ़ का स्थिति बना हुआ उधर नमामि गंगे, जो जहाँ से मोदी जी आ रहे हैं तो लेकिन हम लोग अपने तरफ से जो बिहार सरकार, जहाँ गंगा इधर से ही होते हुए जाती है, तो हम लोग जातीय जनगणना में तो आप फेल हो गए। वो तो महागठबंधन की जीत हुई। अब महागठबंधन जब से बना है, जब से इसका नींव रखा गया है, 24 अब 25 के लिए नींव रखा गया, हमें तो क्लियर बोल रहे हैं हम, 24 अब 25 में इनका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। आई आप देखिए 24 25 में मेरा भविष्यवाणी है, अमित शाह जी और मोदी जी, मेरा ये भविष्यवाणी है कि 24 25 में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लालू जी ने भी कहा भविष्यवाणी में के भागना पड़ेगा। अरे भविष्यवाणी मैं कर दिया, मैं पूजा करता हूँ, हमसे बड़ा बाबा कोई नहीं है। जैसे कि जो वेटलैंड है, जो कि जो जलाशय है, उससे किसानों को भी फायदा होता है, सिंचाइयाँ होती है, उसमें मछली पालन भी लोग करते हैं, तो उसको और कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं उस पर चर्चा। सर नमामि गंगे का क्या हाल है? नमामि गंगे के लोग का जो दावा किया गया था, मोदी जी ने दावा किया था कि हम गंगा को साफ करेंगे, क्या आपको लगता है कि अभी तक बिहार में क्या मदद मिल रही है? देखिए आप तो अभी तो देखिए कि बाढ़ का स्थिति बना हुआ उधर नमामि गंगे, जो जहाँ से मोदी जी आ रहे हैं तो लेकिन हम लोग अपने तरफ से जो बिहार सरकार, जहाँ गंगा इधर से ही होते हुए जाती है, तो हम लोग अपने जो क्षेत्र पड़ता है उसको हम लोग तो जो पटना है उसको तो हम लोग तो काम इसमें कर ही रहे हैं। मोदी जी ने टास्क दिया है अपने सांसदों को कि लोगों के बीच में जाइए, काम कीजिए, गरीबों की काम कीजिए। तो कहाँ जा रहे हैं? जितना ज़्यादा बिहार सरकार में मंत्री काम कर रहे हैं उतना कहाँ सांसद काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि 2024 में तीसरी बार मोदी आएंगे इंडिया अलायंस बनने के बावजूद, क्या कहिएगा इस पर? अरे जातीय जनगणना पर क्या किए आप, वहाँ से तो आप फेल हो गए। जातीय जनगणना पर तो फेल हो गए ना, जातीय जनगणना में तो आप फेल हो गए। वो तो महागठबंधन की जीत हुई। अब महागठबंधन जब से बना है, जब से इसका नींव रखा गया है, 24 अब 25 के लिए नींव रखा गया, हमें तो क्लियर बोल रहे हैं हम, 24 अब 25 में इनका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। आइए तो हम, आप जो लगातार हमसे सवाल कर रहे थे, हम भी आपको जवाब देते हैं। आप बोल रहे हैं कि आप देखिए 24-25 में मेरा भविष्यवाणी है, अमित शाह जी और मोदी जी, मेरा ये भविष्यवाणी है कि 24-25 में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लालू जी ने भी कहा भविष्यवाणी में भागना पड़ेगा। अरे भविष्यवाणी मैं कर दिया, मैं पूजा करता हूँ, हमसे बड़ा बाबा कोई नहीं है।